फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन फैशन में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैंने कुर्ती की पटियाला सलवार के ऊपर है फ्रेंड्स, और नेट का फैब्रिक है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो के न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं इसके सलवार की भी कटिंग आपके साथ में शेयर करूंगी। ये स्लीव्स हैं, रिंकल स्लीव्स हैं फ्रेंड्स, और छोटी बच्ची का है। मैं नेट के फैब्रिक में से 28 साइज की कुर्ती कटिंग कर रही हूँ, छोटे बच्चे की है फ्रेंड्स। पटियाला सलवार पे ये कुर्ती सिलनी है, तो चलिए इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो ये बॉर्डर है ये हमारे इस तरफ से है, मतलब स्ट्रिप जो है हमारी ऐसे आएगी अगर हम इसको नीचे देते हैं तो फ्रेंड्स इसको हमको कटिंग करके फिर लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये मुझे ऐसे लंबाई में स्ट्रिप चाहिए, ना कि आड़े में चाहिए फ्रेंड्स। तो पहले मैं ये पट्टी निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस टाइप से फोल्ड कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ नापेंगे फ्रेंड्स। तो लेंथ इसकी 32 है, ये देखिए 32 कंप्लीट है, और 2 इंच हम इसे प्लस करेंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारी 34 आ गई है, तो हम 34 इसकी लेंथ रखेंगे। पहले हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर फ्रेंड्स हम इसके 7.5 लेंगे, क्योंकि इसका मैं बोट नेक बनाऊंगी, बच्चे का है। इधर से मैं फ्रेंड्स इसका 6 लूंगी, ये देखिए जो आर्म होल है वो 6 लेंगे, और चेस्ट फ्रेंड्स उसका 28 है, ये देखिए अच्छे से भी चाहिए। तो 8 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, और 7 में 2 प्लस करेंगे कटिंग के लिए। इधर से फ्रेंड्स लेंथ, हाइट जो अच्छी है इसलिए हम 13.5 लेंगे, और ये देखिए कमर फ्रेंड्स 24 है, तो हम 6 लेंगे, ये देखिए ये हमने 6 ले लिया है, और इधर हम 2 इंच लेंगे फ्रेंड्स। और हिप फ्रेंड्स हम उसको 19.5 लेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए अच्छे से देखिए फ्रेंड्स। हिप फ्रेंड 32 है, तो 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 में हम 1 इंच प्लस करेंगे फ्रेंड्स। अब हम इसको मार्क कर लेंगे, ये देखिए इस टाइप से, बच्चे का है इतना वो नहीं है फ्रेंड्स, ये देखिए सारे मार्क्स को मिला लेंगे। और इधर से अब हम इसकी गोलाई देंगे, ये देखिए ये हमारी फ्रंट की गोलाई है फ्रेंड्स, और ये हमारी बैक की गोलाई है। इधर से हम नीचे का घेरे का निशान करेंगे, ये देखिए, और इसको मिला लेंगे। क्योंकि बढ़ता बच्चा है थोड़ा सा लूज रहने से चलेगा, फिटिंग नहीं करना है ज्यादा फ्रेंड्स। अब हम इसको कट कर लेते हैं, हमारी मार्किंग हो गई है, इसको कट कर लेते हैं और मार्किंग को, ये हमारा कटिंग का है मार्क है, ये देखिए। तो चलिए कट कर लेते हैं फ्रेंड्स। फोर पल्ले मैंने एक साथ किए हैं, क्योंकि एक की टाइप के हैं, एक की डिजाइन के हैं,
इसलिए इस टाइप से कट कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम फोल्ड करेंगे और जो ये हमारे फ्रंट और बैक का पीस है उसको भी अलग करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, और इसकी कटिंग करेंगे फ्रंट्स के पीस की। ये देखिए, अच्छे से बिछाते हुए ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कटिंग हो गई है। ये देखिए, अभी 7 से डिवाइड हो गया है। अब 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ये हमारी स्लीव्स का वो आ गया है। यहाँ से हम 3 इंची का एक मार्क लगा लेंगे और फ्रेंड्स इसको हम स्केल से मिला लेंगे। ये देखिए, इसको और इसको मिला लेंगे फ्रेंड्स, और जितना हमारा आता है उसका हाफ करेंगे। ये एकदम परफेक्ट स्लीव्स बनती हैं फ्रेंड्स, छोटी बड़ी नहीं होती, जितना हमारा ड्रेस में लगना होता है उतनी ही होती है। और इधर से हम टोटल लेंथ लेंगे, तो लेंथ फ्रेंड्स 20 रखा है, उसमें 1 इंची एक्स्ट्रा रखेंगे फ्रेंड्स। ये इस टाइप से, और मोरी हमें 4 रखनी है और 2 इंच इसमें कटिंग का रखेंगे। अब ये देखिए, इससे मिला लेते हैं। अब हम स्लीव्स कट कर देंगे फ्रेंड्स, फ्रंट की गोलाई बाद में कट करेंगे। ये देखिए, ये 4 लेयर है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इधर से हम इसको कट कर देंगे क्योंकि एम्ब्रॉयडरी है इसलिए मोटा हुआ है, कटिंग नहीं हो रही है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये हमारी स्लीव्स कट कर रेडी हो गई है। फ्रंट की गोलाई करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए दोनों पीस को मिलाएंगे। ये मैंने आज 28 साइज के चेस्ट की कटिंग की है, रिंकल स्लीव्स है।